क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो आज से हजारों साल पहले पैदा हुआ लेकिन आज भी हमारे दरमियान जिंदा है। ये शख्स मुख्तलिफ मौकों पर हमारे सामने आता है और हमें राह दिखाता है। ये वीडियो दुनिया के सबसे पुरइसरार शख्स के मुतालिक है जिनके बारे में हर दौर के लोग हमेशा तलाश में रहे, जिनका नाम खिज्र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम को हमेशा ज़िंदा रहने की क़ुव्वत कैसे मिली, इसके मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फरमाया, ए मेरे बेटों, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर एक बड़ा अज़ाब नाजिल फरमाने वाला है, तो मेरी वफ़ात के बाद मेरे जिस्म को गार में रख देना यहाँ तक कि सुकून पा जाऊँ, तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद हज़रत आदम का जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने हज़रत आदम के जिस्म को अपने पास रखा। जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन पर तूफ़ान भेजा और पूरी ज़मीन एक ज़माना तक डूबी रही, फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह बाबिल शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटों शाम, हाम और याफिस को वसीयत की कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उस गार से लाकर शाम में दफन कर दो जहां उन्होंने वसीयत की थी। तो उन लड़कों ने कहा, ज़मीन वहशतनाक है, ना कोई इस ज़मीन से मानूस है और ना वहां का रास्ता जानता है। हज़रत नूह ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए जो उनके जिस्म को दफन करेगा क़यामत तक ज़िंदा रहने की दुआ की है। फिर आपका जिस्म मुबारक इसी तरह रहा यहाँ तक कि हज़रत आदम के एक सलबी औलाद जिनका नाम खिज्र था, उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। अल्लाह ने हज़रत आदम की दुआ कबूल फरमाई तो हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह चाहेगा ज़िंदा रहेंगे। हज़रत खिज्र की कुन्नियत अबू अल अब्बास और नाम बलिया था, उनके वालिद का नाम मलकान था। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत थी कि आप जिस जगह भी बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाया करती थी, इसलिए लोग आपको खिज्र कहते थे जिसके माने सब्ज चीज़ होती है। एक रिवायत के मुताबिक आप हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता फरमाई थी। हज़रत खिज्र हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर थे। किताबों में हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम की लंबी उम्र और मौत ना आने की वजह यह भी लिखी गई है कि आपने आबे हयात नामी एक चश्मे का पानी पिया था। आबे हयात के बारे में ये बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या उसमें गुसल करेगा उसे कभी मौत ना आएगी। तौरेत के बाब यूहन्ना में आबे हयात का जिक्र यूँ मिलता है, फिर उसने मुझे बल्लौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर उस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पार ज़िंदगी का दरख्त था। आबे हयात का जिक्र कदीम दास्तानों और किताबों में भी मिलता है। उन दास्तानों में तीन शख्स का जिक्र किया गया है जो आबे हयात तक पहुँच गए थे। उनमें एक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन और तीसरे हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें सिर्फ हज़रत खिज्र और हज़रत इलियास को ही वो पानी नसीब हुआ। रिवायतों के मुताबिक ज़ुल्करनैन ने कदीम तारीखी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मे हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी, इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस पानी की तलाश में मगरिब का सफ़र किया। ज़ुल्करनैन के इल्म में ये बात आई कि आबे हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 चश्मे हैं, लिहाजा ज़ुल्करनैन ने अपने लश्कर से 360 लोगों को चुना और हर एक को एक एक मछली देकर हज़रत खिज्र की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली जाहिर करे। काफ़ी लंबे सफ़र और दुश्वारी के बाद आखिरकार ये लोग उस चश्मे तक पहुंच गए। जब वापस आए तो ज़ुल्करनैन ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करवा दें, लिहाजा सब ने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी सिवाय हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम के।
जुल्करनैन ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। जुल्करनैन ने कहा, वो पानी आपके मुकद्दर में था। आबे हयात में गोता लगाने और इस मुकद्दस पानी को पीने की बरकत से हज़रत खिज़र हमेशा ज़िंदा रहेंगे और आपको कभी मौत ना आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हज़रत खिज़र की मुलाकात का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हज़रत खिज़र को एक अलहामी इल्म अता की गई थी जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हज़रत मूसा हज़रत खिज़र की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें जो इल्म अता किया है वो उन्हें भी सिखा दें, लेकिन हज़रत मूसा की जल्दबाजी और सब्र ना करने की वजह से हज़रत खिज़र वो इल्म मुकम्मल तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखा पाते हैं। बाज़ उलमा ने इस वाक़े को दलील बनाकर हज़रत खिज़र को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगम्बर को एक आम बंदा कोई इल्म नहीं सिखा सकता। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लदुन्नी अता की गई थी, इसके ज़रिए आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते हैं और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने ऐन वक्त पर पहुँचते हैं। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हज़रत खिज़र ज़मीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की है और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से भी हज़रत खिज़र की मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीना से एक शख्स उसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल हज के मौके पर मिलते हैं। सूफिया के नज़दीक भी हज़रत खिज़र का बहुत आला मकाम है। वो खिज़र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा तसव्वुर करते हैं। बाज़ सूफिया से उनकी मुलाकात भी साबित है और बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक उन्हें इल्म दीन भी सिखाया। सूफिया आपको ख्वाजा खिज़र कहकर पुकारते हैं।